नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों फाइटर ने एक बार फिर से कमबैक किया है, ये कहना उचित होगा, क्योंकि दोस्तों कल फिल्म ने करीब करीब 82% से ज्यादा का जंप दिखाया है और दोस्तों करीब 10,50,00,000 का मतलब कलेक्शन कल किया है। तो ऋतिक रोशन के प्रशंसकों के लिए चेहरों पे फिर से एक बार खुशी की लहर देखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम कलेक्शन आ रहा था कई दिनों से। तो कल उम्मीद थी कि फिल्म ग्रो करेगी, लेकिन इतना ज्यादा ग्रो करेगी ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और टोटल कलेक्शन इसका 10 दिन का 162.75 करोड़ रुपीज इंडिया नेट हो गया 10 दिनों का। और दोस्तों अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 258.75 करोड़ हो गया है और इंडिया ग्रोस कलेक्शन दोस्तों इसका करीब करीब 182.75 करोड़ हो गया और ओवरसीज से फिल्म करीब 76 करोड़ रुपए का कलेक्शन अब तक कमा चुकी है। और दोस्तों आज संडे है तो आज भी फिल्म डेफिनेटली बड़ी ग्रो करेगी और आज मेरा प्रेडिक्शन है कि कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है, जो इसके कलेक्शन को करीब करीब 175 करोड़ लेके जाएगा इंडियन नेट कलेक्शन। तो ठीक है, ये शनिवार रविवार को फिल्म अच्छा जंप दिखा रही है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी फिल्म चलनी चाहिए। फिल्म जबरदस्त तरीके से फिल्म बनाई गई है, एरियल एक्शन सिक्वेंसेज खाड़ी देशों में बैन की गई है फिल्म को, हालांकि और उसका भी क्या कारण आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ठीक है, कोशिश की है इन्होंने एक देशभक्ति से परिपूर्ण, कम से कम मुझे तो पठान से तो अच्छी लगी है फिल्म, जिसमें पाकिस्तानी प्रेम एक प्रोपेगेंडा टाइप की मूवी बना दी थी, तो यहाँ कम से कम वो तो नहीं है, थोड़ा उससे अच्छी फिल्म बनाने की यहाँ जरूर कोशिश हुई है। हालांकि सिद्धार्थ आनंद ने जो बयान दिया था कल कि 90% इंडियंस हो, मतलब एरोप्लेन में भी नहीं बैठे, उनको कैसे समझ में आएगी ये फिल्म, उसकी मैंने कल जबरदस्त आलोचना की थी, क्योंकि इस तरह के बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ आपकी कमी आपकी फिल्म में रही है, प्रमोशन में कमी रही है, उसको आपको सुधारना चाहिए था, न कि पब्लिक पर ब्लेम लगाना, क्योंकि पब्लिक को आप फोर्स नहीं कर सकते फिल्म देखने के लिए। पब्लिक आई है, जाएगी तो जाएगी फिल्म देखने, नहीं देखने जाएगी तो नहीं जाएगी, उनको अच्छी लगेगी तो फिल्म देखेगी, अदरवाइज नहीं देखेगी। हालांकि मैंने कहा था कि फिल्म अच्छी है, फिल्म को चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चली है, तो वो क्या कारण रही है उनको बैठ करके सिद्धार्थ आनंद को मेकर्स को सोचना होगा कि क्या कमी रही है फिल्म में। लेकिन फिर भी कम से कम कल से तो फिर से फिल्म ने एक उम्मीदें जगाई है और आज भी अच्छा कलेक्शन आ रहा है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर एंड नहीं हुई है, अभी हो सकता है कि फिल्म कुछ अच्छा करे और कम से कम 200 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन तो करे, 250 करोड़ तक पहुंचती है तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि सभी बड़े क्रिटिक्स फिल्म को फ्लॉप घोषित कर चुके हैं, लेकिन अगर सरप्राइज करके फिल्म एवरेज टू सेमी हिट का वर्डिक्ट भी प्राप्त करती है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात जरूर कही जा सकती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में दोस्तों? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बोलेनाथ।